संस्थान के कर्मचारी को फोन न उठाने पर तालिबानी सजा दी गई है। इलेक्ट्रिशियन कर्मचारी को फोन न उठाने पर जलकल विभाग के जूनियर इंजीनियर ने बुरी तरह से पीटा है। डिप्रेशन और बुखार से परेशान था इलेक्ट्रिशियन अफसर और फोन न उठाने पर जेई साहब ने उन्हें तालिबानी सजा दी है। बुरी तरीके से पीटा है इलेक्ट्रिशियन को। नगर निगम जोन 5 में जलकल इलेक्ट्रिशियन कर्मचारी ने यूनियन से गुहार लगाई है। कर्मचारी तहरीर लेकर थाने भी पहुंचाए। तालिबानी सजा दी गई इस इलेक्ट्रिशियन को फोन न उठाने पर। और वाराणसी में दबंगई का वीडियो वायरल हो गया है। पांडेपुर थाना इलाके के बगवा नाला इलाके का सारा मामला है। दबंगों ने ट्रॉली चालक को पीटा। ट्रॉली पर लदे सीमेंट की बोरी सहित ट्रॉली को पटक कर तोड़ दिया गया है। वाराणसी की तस्वीरें देख लीजिए आप, दबंगई का वीडियो देख लीजिए आप, किस तरह से पीटा है बुरी तरीके से दबंगों ने इस ट्रॉली चालक को। पांडेपुर थाना इलाके का मामला है सारा। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले के सुपरटेक एमरिल कोर्ट मामले में सीएम योगी ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रकरण में नियम के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की, जांच के लिए तत्काल शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के न सिर्फ निर्देश दिए हैं बल्कि उन अफसरों को भी लिस्ट मांग ली है उनकी जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। पिछले 13 सालों से यानी 2004 से 2017 तक प्राधिकरण के जो अफसर इस मामले से जुड़े रहे उनकी जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद कई अफसरों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। आपको बताएं कि नोएडा प्राधिकरण के प्लानिंग विभाग में तत्कालीन मैनेजर रहे मुकेश गोयल को सस्पेंड किया जा चुका है। बड़ी कार्रवाई यहां पर। और इसके बाद मुख्यमंत्री बहुत सख्त, शासन स्तर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर जांच करने के निर्देश। उन अफसरों के लिस्ट मुख्यमंत्री ने मांगी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट से 2004 से 2017 के बीच में जुड़े रहे। उन अथॉरिटी के अफसरों पर अब एक्शन तय माना जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। ट्विन टावर मामले में मुख्यमंत्री योगी बहुत सख्त दिखाई दे रहे हैं। एसआईटी जांच के उन्होंने निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने के आदेश दिए और बताया कि कैसे अथॉरिटी और बिल्डर के नेक्सस की वजह से यह सब कुछ संभव हुआ। और आपको बताएं कि सुपरटेक एमरिल मामले में बड़ी कार्रवाई भी हुई है। नोएडा अथॉरिटी में तैनात रहे एक अधिकारी पर गाज गिरी। नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग के तत्कालीन मैनेजर सस्पेंड कर दिए गए। गोरखपुर प्राधिकरण में तैनात मुकेश गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ वक्त पहले ही नोएडा से गोरखपुर प्राधिकरण में मुकेश गोयल का ट्रांसफर हुआ था। नोएडा अथॉरिटी ने शासन को बाकायदा एक चार्जशीट भेजी थी और शासन से नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग में पहले तैनात मैनेजर मुकेश गोयल सस्पेंड कर दिए गए। नोएडा अथॉरिटी ने पूरी चार्जशीट भेजी थी शासन को और कुछ ही वक्त पहले मुकेश गोयल का ट्रांसफर हुआ था नोएडा से गोरखपुर। बड़ी खबर, एक्शन शुरू हो गया है। मुकेश गोयल सस्पेंड। प्लानिंग मैनेजर थे जिस वक्त अप्रूव किया गया यह प्रोजेक्ट नोएडा अथॉरिटी के द्वारा सुपरटेक का। कार्रवाई शुरू। पूरी लिस्ट उन अफसरों की मांग ली है मुख्यमंत्री ने जो इस प्रोजेक्ट में, इस प्राधिकरण में और इस सारे प्रकरण में इन्वॉल्व रहे 2004 से 2017 के बीच में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मुख्यमंत्री बहुत सख्त दिखाई दे रहे हैं। कल ही उन्होंने इस बाबत निर्देश दिए, आज उन्होंने एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। गाजगिरी पहली मुकेश गोयल पर। प्लानिंग मैनेजर थे नोएडा अथॉरिटी में जब ये सारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था, अप्रूव किया गया था। नोएडा चलते हैं, हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। नोएडा के इस प्रकरण पर और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो कार्रवाई की गई है, मुकेश गोयल की जो भूमिका रही थी एमरिल टावर्स में और उसके निर्माण के दौरान की जो भूमिका रही अफसरों की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं बलराम। देखिए राजेंद्र, मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने जो टिप्पणी नोएडा प्राधिकरण को लेकर के की, उसको लेकर के मुख्यमंत्री काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए और यही वजह है कि उन्होंने उसी समय ऐलान किया था कि जो भी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इस पूरे प्रकरण में संलिप्त होंगे उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें राजेंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 माह के अंदर ये दोनों टावर ध्वस्त किए जाएं। हालांकि अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई कि मुख्यमंत्री ने
संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है और इसका नमूना उन्होंने आज दिखा दिया कि किस तरीके से मुकेश गोयल को सस्पेंड किया गया। आपको बता दें, 2 महीने पहले मुकेश गोयल का नोएडा प्राधिकरण से गोरखपुर ट्रांसफर हुआ था, लेकिन 2 महीने से वो यहां पर काबिज थे, गोरखपुर जाने को तैयार नहीं थे। कल आनंद फानन में जब मुख्यमंत्री का रुख देखा गया तो उन्हें रिलीव किया गया नोएडा प्राधिकरण से, लेकिन शासन स्तर पर उन्हें सस्पेंड किया गया। तो यानी कुल मिला के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो वो स्पष्ट दिख रहा है और उसी कड़ी में ये कार्रवाई भी देखी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जाँच के लिए एक SIT गठित की जाए और वो SIT सभी अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करें, क्या किस अधिकारी की भूमिका रही है उसकी जांच करें और विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपे ताकि उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके। और आपको बता दो राजेंद्र, हो सकता है कि इन अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद FIR भी दर्ज हो, तो यानी कहीं ना कहीं अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस वक्त राजेंद्र हम उन्हीं ट्विंस टावर के पास मौजूद हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस टावर को बनाने के लिए अनियमितताएं की गई हैं। आपको बता दें, जिस जगह पे ये दोनों टावर खड़े हुए हैं ये ग्रीन बेल्ट था और जो एमराल्ड कोर्ट के बायर थे जब उन्होंने फ्लैट खरीदा तो उन्हें ये बताया गया था कि ये ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन 2009 में प्राधिकरण के अधिकारियों की साठ गांठ से सुपर टेक बिल्डर ने यहां पर टावर का निर्माण शुरू किया और जब बायर्स ने इस बात की जानकारी प्राधिकरण और सुपर टेक बिल्डर से मांगी कि आखिरकार जब ये ग्रीन बेल्ट है तो यहां पर निर्माण कार्य कैसे हो रहा है, कई सालों तक तो ना ही प्राधिकरण ने और ना ही सुपर टेक बिल्डर ने बायर्स को कोई जानकारी दी, जिसके बाद 2012 में बायर्स ने बिल्कुल। तो बलराम हमें बता रहे हैं कि कैसे इन ट्विन टावर्स को, एमराल्ड कोर्ट के इन ट्विन टावर्स को गलत तरीके से अप्रूव किया गया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इन्हें ध्वस्त किया जाए। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिक्कत क्या दिखाई दी सुप्रीम कोर्ट को इसके निर्माण में। फिर से एक बार बलराम के पास चलेंगे। बलराम, आप बता रहे थे इन ट्विन टावर्स के निर्माण पर जो ऑब्जेक्शन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिन बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन किया है, बलराम? बिल्कुल राजेंद्र, हम आपको सिलसिलेवार इस पूरे टावर का प्रकरण बताएंगे कि आखिरकार ये टावर कैसे अवैध हुआ और कैसे प्राधिकरण के अधिकारियों ने सुपरटेक के साथ मिल करके ये पूरा प्रकरण गोलमोल करके इस टावर को निर्माण करने की इजाजत दी। आपको बता दें कि ये जहां पर टावर निर्माण हुआ है वो ग्रीन बेल्ट था और इसी बात की आपत्ति जताते हुए एमराल्ड कोर्ट के बायर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये दोनों टावर अवैध हैं, इनको गिराया जाए और साथ ही ये भी टिप्पणी की कि कहीं ना कहीं इन दोनों टावरों के निर्माण में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, लिहाजा उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने ना तो अपने अधिकारियों पर कार्रवाई की और ना ही बिल्डर्स पर, और सीधा उन्होंने रुख कर लिया सुप्रीम कोर्ट का। उन्हें यह मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी, लेकिन फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलाइजेशन पर रोक लगाते हुए स्टे दे दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच कराई और जांच रिपोर्ट जब उसके सामने आई तो वो भी चौंक गई कि आखिरकार इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा घोटाला और इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की बजाय उसको सहमति दे रहा है प्राधिकरण। तो कहीं ना कहीं 2004 से और 2017 के बीच में जो भी नोएडा प्राधिकरण में अधिकारी तैनात थे वो संदिग्ध हैं, उनकी कार्यप्रणाली संदिग्ध है। आपको बता दें, 2005 से संजीव सरन नोएडा प्राधिकरण के CEO रहे हैं, उनकी भी कार्यप्रणाली संदिग्ध है। उसके बाद जब बसपा सरकार आई 2007 में तो मोहिंदर सिंह CEO बने नोएडा प्राधिकरण के और उनके कार्यकाल में ही ये पूरा प्रोजेक्ट फला फूला है। और उसके बाद जब
सपा सरकार आई तो उन्होंने फिर से संजीव सरण को ही सीईओ बनाया और उसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या उत्तर प्रदेश में संजीव सरण से ईमानदार अधिकारी कोई नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ पहले ही आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को बलराम। अब आप ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं, एसआईटी गठित करके जांच के निर्देश हैं और जो भी अफसर इस प्रकरण से जुड़े रहे उन पर अब सख्त कार्रवाई हो सकती है, और आपने एक और महत्वपूर्ण अपडेट दिया है हमारे दर्शकों को बलराम कि उन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम आपका। आपने योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, इसमें गंगा एक्सप्रेस वे के RFQ और RFP को मंजूरी मिल गई है। 16 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी मिली है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ है लखनऊ से। अनुभव, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, ये कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही थी क्योंकि वहां पर पहले एक दूसरा कार्यक्रम था, उसके बाद ये कैबिनेट बैठक रखी गई थी। तो अभी फिलहाल बैठक वहां पर खत्म हुई है और क्या क्या और फैसले हुए हैं, क्या महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट के लिए, उसके लिए ब्रीफिंग भी की जा रही है लोक भवन में। सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर भी आएंगे और वो पूरी ब्रीफिंग करेंगे कि आखिर क्या क्या फैसले हैं। लेकिन जो बातें अभी निकल कर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक, एक तो जो गंगा एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है उसका एक RFP होता है जो तैयार होता है, और साथ ही साथ RFP होती है कि किस तरीके से वो पूरा प्रोजेक्ट कैसे होगा, क्या बनेगा, क्या डायमेंशन होगा, इन सारी चीजों को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। और लंबे समय से जो बात उत्तर प्रदेश में कही जा रही है कि सभी जिलों में 75 जिलों में जो मेडिकल कॉलेज है सरकार उसको बनाएगी, उसके लिए सरकार वचनबद्ध है, तो उनमें से उनसे तो लगभग हो चुके हैं पहले। ठीक है, आप कह रहे हैं वो कि अभी इसकी ब्रीफिंग होगी इस कैबिनेट बैठक के बाद की, सरकार के मंत्री बताएंगे विस्तार से कि क्या निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों के पीछे कारण क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका।